Hey guys, welcome to my channel. In this video, I'm going to do a book review on Objective Physics NCERT Extract by Disha Publication. ठीक है, this book is very good for those who are preparing for both NEET and JEE. ठीक है, book का cover कुछ ऐसा दिखता है. By the way, if you're new to my channel, please do subscribe this channel and like कर दो video को. तो बढ़ते हैं book में. कवर के बैक में दिया हुआ है कि नीट का प्रीवियस ईयर पेपर से कितना क्वेश्चन मैच था इस बुक से. ठीक है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चंस. ठीक है, कंटेंट्स टोटल 30 चैप्टर्स ऑफ बोथ क्लास 11th एंड 12th. ठीक है, विथ हिंट्स एंड सॉल्यूशंस हम देखेंगे बाद में बुक में. ठीक है, इसके बाद देखो लास्ट में दिया हुआ है कि दो फाइव मॉक पेपर. ठीक है, फाइव मॉक टेस्ट पेपर विथ सॉल्यूशंस, हिंट्स एंड सॉल्यूशंस. ठीक है, देखो ये रहा नीट का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व पेपर. उसके ठीक बाद ही है जेई मेन का प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर. ठीक है, कमिंग टू फिजिकल वर्ल्ड, देखो ये रहा वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11th. ठीक है, हर एक चैप्टर, इस बुक का खासियत है कि हर एक चैप्टर के पहले कंसेप्ट मैप दिया हुआ है. ठीक है, तो पता चल जाएगा कि जिस्ट क्या है, चैप्टर का समरी क्या है. वेरी गुड फॉर क्विक रिविजन. बढ़ते एमसीक्यूज में. एक्सरसाइज वन टॉपिक वाइज एमसीक्यूज है. देखो फर्स्ट टॉपिक है फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी. उसके बाद का टॉपिक है फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर. टॉपिक वाइज पूरा एकदम एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन एमसीक्यूज डिराइव्ड किया गया है. ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में बढ़ते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स. ठीक है, देखो ट्रेंड एनालिसिस गिवन है. फिजिकल वर्ल्ड से क्वेश्चन नहीं आता था उसलिए ट्रेंड एनालिसिस नहीं था, लेकिन यूनिट्स एंड मेजरमेंट से हर एक साल एक दो क्वेश्चन आ जाता है, एक क्वेश्चन तो आता ही है, इसीलिए ट्रेंड एनालिसिस दिया हुआ है. ठीक है, देखो वेटेज, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, डिफिकल्टी लेवल और CUS. ठीक है, सिमिलरली यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का कॉन्सेप्ट मैप है, देख लो. MCQs, क्वालिटी MCQs है, मतलब ठीक ठाक MCQs है, मैं बहुत अच्छा तो नहीं बोलूँ ना, लेकिन ठीक ठाक है. ठीक है, यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज फर्स्ट टॉपिक, इसके बाद है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. MCQs देख सकते हो पूरा लाइन बाय लाइन है NCERT से. एरर्स इन मेजरमेंट सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज टू. ठीक है, एग्जाम्पलर एंड पास्ट ईयर एमसीक्यूज. फर्स्ट एक्सरसाइज है मतलब पूरा लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से. उसके बाद एक्सरसाइज टू में एग्जाम्पलर है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड पास्ट ईयर एमसीक्यूज. ठीक है, जेई मेन एम्स नीट सबका है. ठीक है, और एक्सरसाइज थ्री है ट्राई इफ यू कैन, ये थोड़ा हार्ड टाइप एमसीक्यूज है. तो अप्रॉक्स इस चैप्टर में 130, 36, 20 लगभग 200 के अराउंड एमसीक्यूज है यूनिट्स एंड मेजरमेंट से. ठीक है, तो एक अलग चैप्टर में बढ़ते हैं, लाइक लॉज ऑफ मोशन देख लो. एमसीक्यूज मतलब ठीक ठाक है, लेकिन उतना हाई लेवल नहीं है, मतलब बेसिक लेवल एमसीक्यूज है इस बुक में. ठीक है, नीट के लिए ठीक ठाक है. ठीक है, लॉज ऑफ मोशन का कंसेप्ट मैप. ठीक है, तो बढ़ते के जो हिंट्स एंड सॉल्यूशंस है उस देख लेते हैं. देखो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का लाइक ऐसा हिंट्स एंड सॉल्यूशंस है, पूरा एकदम आंसर की भी है और सॉल्यूशन करके दिया हुआ है. ठीक है, लेकिन मैं अगर इस बुक को डीसी पांडे और अदर एनी बुक से कंपेयर करूं तो डीसी पांडे तो बहुत मतलब इससे तो बेटर ही है. ठीक है, इससे बहुत बेटर है डीसी पांडे, लेकिन दिस बुक इज़ वेरी गुड फॉर क्विक प्रिपरेशन, मतलब बेसिक लेवल प्रिपरेशन के लिए बुक बहुत अच्छा है. लास्ट में देख लेते हैं जो मॉक पेपर से उन पेपर को देख लेते हैं. ठीक है, देखो मॉक टेस्ट टू पूरा एकदम पेपर है, इसमें 45 एमसीक्यूज है फिजिक्स का. ठीक है, ऐसे करके पांच पेपर है और लास्ट में सॉल्यूशन है.
और इस लास्ट में जेई मेन का जो मैचिंग क्वेश्चंस है वो सब दिया हुआ है। ठीक है, तो यही था पूरा बुक। अगर ये रिव्यू अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक कर दो वीडियो को, और अगर कुछ डाउट हो और कोई अलग बुक के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट करके बता दो। आई विल मेक अ न्यू वीडियो ऑन दैट। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।